हमारे मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे होते हैं, जो हमारी पार्टियां होती है, बीएसपी हमारी पार्टी है, पहले हमारी कांग्रेस थी, अब हमारी बीएसपी बहन मायावती जी की पार्टी है। उसके जो मुद्दे होते हैं, उनकी जो सोच होती है कि हम कमजोर के जो हमारे साथी हैं, एससी के साथियों को कैसे आगे लेकर के आए, सवर्ण कास्ट में भी जो गरीब तबके के कमजोर साथी हैं सवर्ण में, उनको कैसे आगे लेकर के हम आए और एक सर्व समाज को जोड़ करके एक अच्छे भरतपुर का निर्माण, एक राजस्थान का अच्छा निर्माण और पूरे देश का निर्माण जो हमारे मायावती जी करना चाहती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके सपनों के हिसाब से हम मजबूती के साथ इस भरतपुर को एक आदर्श भरतपुर और चंडीगढ़ की तर्ज पर इस भरतपुर को डेवलप करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं। इस दावे के साथ कहते हैं कि सभी जातियों का खास तौर पर मजबूती के साथ सभी जातियां एकजुट होकर के एक भरतपुर में इतिहास बनेगा और ये रिकॉर्ड पूरे राजस्थान में एक अलग चुनाव आपको दिखाई देने लग जाएगा। मात्र 10 दिन का समय चाहिए, 10 दिन बाद आपको चुनाव का अलग एक समय का राजस्थान में सबसे अलग चुनाव भरतपुर का होगा, जिसमें सभी जातियां बढ़ चढ़ करके उनको ये कहेंगी कि गिरीश चौधरी हमारा है, गिरीश चौधरी हमारा है, गिरीश चौधरी हमारा है। ये हम प्रेस के साथियों को भी विश्वास दिलाते हैं। चुनाव की तैयारी तो बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीएसपी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, साथ ही जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और व्यक्तिगत मेरे भी जो कार्यकर्ता हैं राजनीतिक जीवन के साथी, सभी मिलकर के हम लोग बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता, चुनाव तो जो उसके साथीगण होते हैं, जो एक टीम होती है चुनाव लड़ाने वाली, वो टीम चुनाव लड़ती है, क्योंकि विधायक का विधानसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, उसमें सैकड़ों गांव में शहर के 65 वार्ड होते हैं, तो एक बड़ा चुनाव होता है, उसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारे साथियों के दम पर, हमारे जो मार्गदर्शक हैं कार्यकर्ता ही नहीं है, वो हमारा मार्गदर्शक भी है, उसकी दम पर बीएसपी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है।